दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी ट्रेसर इंसेक्टिसाइड के बारे में। कंपोजिशन कंटेंट इसका क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, कौन कौन सी फसलों में यूज कर सकते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट को ये इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है, प्राइस, डोज, रिजल्ट टाइम और कॉम्बिनेशन इसका क्या है, संपूर्ण जानकारी कवर करूंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। डव एग्रो साइंस के ट्रेसर इंसेक्टिसाइड में कंपोजिशन कंटेंट आता है स्पिनोसाइड 45%, एससी फॉर्म में ये आता है, एससी यानी सस्पेंशन कंसंट्रेट फॉर्म में ये आता है। ये बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड होता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करूँ तो ट्रेसर इंसेक्टिसाइड नेचुरलाइट क्लास का फर्स्ट इंसेक्टिसाइड होता है, जो कि इंसेक्ट को कंट्रोल करने के साथ साथ फसलों को हेल्दी भी रखता है। इसमें इंजेशन और कॉन्टैक्ट एक्शन आता है। इंजेशन यानी कि इंसेक्ट खाने के बाद में इंसेक्ट में एंट्री करके न्यूरो रिसेप्टर को ये ब्लॉकेज करता है, ब्लॉक करता है यानी कि इंसेक्ट को पैरालाइज करता है और फिर इंसेक्ट को किल करता है। और कौन कौन सी फसलों में इसको यूज में ले सकते हैं, तो मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, कपास, चना, अरहर, उड़द, सोयाबीन, इन फसलों में इसको यूज में ले सकते हैं। इनके अलावा भी लगभग सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें हैं, रबी खरीफ है, दलहनी है, इनमें आप यूज में ले सकते हैं। कौन कौन से इंसेक्ट को ये इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है, तो थ्रिप्स को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। थ्रिप्स के साथ साथ कॉटन बॉल वर्म्स, जिसे कपास की सुंडी कहते हैं, उससे बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अमेरिकन सुंडी है, फल छेदक जिसे फ्रूट बोरर कहते हैं, तो इनको ये बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। कैटरपिलर्स को कंट्रोल करता है, लट वगैरह को भी ये कंट्रोल करता है, तो बहुत ही इफेक्टिव है इन इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। बाकी अदर इंसेक्ट भी कंट्रोल करता है, लेकिन इनके लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है। प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों 75 ml की बोतल है, लगभग 1900 रुपये की समथिंग आती है। प्राइस थोड़ी अप डाउन हो सकती है, अगर अदर इंसेक्टिसाइड से कंपेयर करें तो फिर ये बहुत ही कॉस्टली इंसेक्टिसाइड आता है, लेकिन इसकी कम डोज में ही लंबे समय तक रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। इसकी परफेक्ट डोज है 5 से 6 ml प्रति टैंक, जो 15-16 लीटर का टैंक आता है उसमें 5 से 6 ml केवल लेंगे और मिक्स करके स्प्रे करेंगे। 1 एकड़ के लिए 60 से 70 ml, 75 ml की जो बोतल आती है उसे अभी आप 1 एकड़ के लिए यूज कर सकते हैं, सफिशियंट डोज होती है। और रिजल्ट टाइम है इसका 20 से 25 दिन, लगभग 20 दिन तक बहुत अच्छा रिजल्ट फसलों में देखने को मिल जाता है। कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो दोस्तों वैसे तो ये बहुत ही इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड है, लेकिन अगर इंसेक्ट का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि रस चूसने वाले कीट हैं और चबाने वाले कीट हैं, दोनों ही तरीके के अगर इंसेक्ट का प्रकोप है, तो इसके साथ में आप रिजेंट गोल्ड जो कि बायर का आता है, जिसमें कि फिप्रोनिल 18.87% एससी फॉर्म में आता है, तो उसको भी आप मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी फसलों में और लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा। और भी अगर आप कोई इंसेक्टिसाइड मिलाना चाह रहे हैं इसके साथ में, तो आप एक बार चेक जरूर कर लें कि इनका कॉम्बिनेशन है या नहीं है। किसी खरपतवार नाशक के साथ में इसको यूज नहीं करना है। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।